दोस्तों, आप लोगों ने बॉडी बिल्डर को तो दिखाई होगा, पर आप लोगों को यह पता नहीं होगा कि दुनिया का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर कौन है। दुनिया में कहीं लोगों ने अपना बॉडी को बड़ा करने के लिए गलत तरीके से अपना शरीर को बिगाड़ा है। आजकल लोग इंसान में कुछ देखे या ना देखे, लेकिन उनकी पर्सनैलिटी पर नजर जरूर जाती है कि बंदा या बंदी दिखते कैसे हैं। और अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी खासी बनी हुई है तो कोई आपसे तू तड़ाक भी करने से डरेगा। आपने कई सारे बॉडी बिल्डर को देखा होगा, लेकिन आज हम आपको जिन बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताने वाले हैं उन्हें देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। वीडियो में जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपका लिए फ्री है, उससे हमारा बहुत हेल्प होता है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। नंबर एक, पॉल डिलेट। पॉल डिलेट एक कैनेडियन प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर थे जिन्होंने 1993 के दौरान बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में कदम रखा था। पॉल की लंबाई 6 फीट 6 इंच और वजन तकरीबन 132 किलो था। इनके शरीर को देखकर इनकी हर एक नस को गिना जा सकता था। बॉडी बिल्डिंग के इतिहास में बहुत कम लोग इनके जैसी बॉडी हासिल कर पाए हैं। नंबर दो, मॉर्गन एस्टे। मॉर्गन एस्टे को एक रियल लाइफ जॉइंट कहा जाता है, यानी असल जिंदगी का दानव फ्रांस विजन में। मॉर्गन एस्टे की लंबाई 6 फीट 3 इंच और वजन 140 किलो है। इन्हें आज की तारीख में यूएसए का सबसे बड़ा बॉडी बिल्डर माना जाता है। मॉर्गन जब साधारण इंसानों के बीच से गुजरते हैं तो लोगों का रिएक्शन देखने लायक होता है, क्योंकि सभी इनके विशालकाय शरीर को देखकर हैरत में पड़ जाते हैं। इनके बाइसेप का साइज 25 इंच है। अब आप बखूबी समझ सकते हैं कि एक 28 इंच की कमर की साइज वाला साधारण इंसान इनके पास खड़ा होकर कैसा महसूस करता होगा। नंबर तीन, रिच पियाना। रिच पियाना एक अमेरिकी बॉडी बिल्डर और बिजनेसमैन थे जिन्होंने अपने 2003 से लेकर 2009 तक के बॉडी बिल्डिंग कैरियर में मिस्टर कैलिफोर्निया और अन्य कई खिताब जीते। रिच का शरीर बेहद भारी भरकम था। यह उन चुनिंदा बॉडी बिल्डर्स में से एक थे जिन्होंने स्वीकार किया कि मैं एस्ट्रॉइड लेता हूं। एस्ट्रॉइड के इस्तेमाल से इनका शरीर भीमकाय तो बन गया, लेकिन इसकी इनको भारी कीमत भी चुकानी पड़ी। 25 अगस्त 2017 में इनका शरीर बाथरूम में मृत पाया गया था। खबरों की माने तो इनकी मौत एस्ट्रॉइड के ओवरडोज के कारण हुई थी। नंबर चार, काई ग्रीन। के ग्रीन एक जीते जागते मॉन्स्टर है। वैसे इनका असली नाम लैशले के ग्रीन है, लेकिन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में इनको सिर्फ के ग्रीन के नाम से जाना जाता है। इनकी लंबाई 5 फुट 6 इंच और वजन 130 किलो के आसपास है जनाब। अपने सर पर एक लंबी चोटी भी रखते हैं, जिससे इनका लुक और भी घातक दिखता है। बता दें कि ग्रीन एक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डर होने के साथ साथ एक पर्सनल ट्रेनर, आर्टिस्ट और एक्टर भी है। नंबर पांच, रोनी कोलमैन। रोनी कोलमैन बॉडी बिल्डिंग की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिससे हर कोई जानता है। रोनी 8 बार मिस्टर ओलंपिया का खिताब जीत चुके हैं। इनके नाम कई तरह की वेट लिफ्टिंग के वर्ल्ड रिकॉर्ड भी है, जिनको आज तक कोई नहीं तोड़ पाया। रोनी कोलमैन ने 1958 से लेकर 2005 तक प्रोफेशनल बॉडी बिल्डिंग की ओर, इस दौरान कोई भी अन्य बॉडी बिल्डर रोनी जैसी बॉडी नहीं बना पाया। भले ही आज रोनी कोलमैन रिटायर हो गए हैं, लेकिन अब भी इन्हें बॉडी बिल्डिंग की दुनिया में एक लीजेंड के रूप में याद किया जाता है। नंबर छह, अर्लिंदो डिसूजा, ब्राजील। ब्राजील के रहने वाले अर्लिंडो डिसूजा भी जेफर थेफ्ट की तरह है। हालांकि इनकी हथेलियां बड़ी नहीं है, बल्कि वाइसेप और कंधे वाकियों से बिल्कुल हटके और ज्यादा है। वहीं सामान्य लोगों की तुलना में इनकी बाहें भी ज्यादा बड़ी हैं। 43 साल के अर्लिंडो के वाइसेप 29 इंच के हैं। बताया जाता है कि इसे बनाने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी में ऑनियल इंजेक्ट किया है। हालांकि बॉडी बनाने के लिए इस तरह की तकनीक अपनाने वाले अर्लिंडो इकलौते ऐसे व्यक्ति नहीं है। ब्राजील में कई लोग ऑनियल इंजेक्ट कर अपनी बॉडी बना चुके हैं। नंबर सात, मुस्तफा इस्माइल। मिश्र के मुस्तफा इस्माइल ने अपने बाजुओं के दम पर सबसे मोटी बाजुओं का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम किया है 28 वर्षीय इस्माइल की। इन शक्तिशाली बाजुओं का आकार 31 इंच है। 31 इंच की यह भुजाएं 10 साल की खड़ी मेहनत का नतीजा है। इस्माइल पर अपनी बाहों पर बड़ा आकार देने का जुनून इस कदर हावी है कि वह परिवार समेत मिश्र छोड़कर अमेरिका में आकर बस गए, ताकि अपनी बाजुओं के आकार को और बढ़ा सके। इस्माइल अपनी बाजुओं को मेंटेन रखने के लिए अपनी डाइट में रोज 3 पाउंड चिकन, 1 पाउंड मछली, 4 कप बादाम, 3 लीटर प्रोटीन शेक और 2 गैलन पानी लेते हैं। इसके अलावा वह अपनी दिनचर्या और खान पान पर विशेष ध्यान देते हैं। नंबर आठ, सज्जाद गरीबी, ईरान। ईरान की 24 वर्षीय पावर लिफ्टर सज्जाद गरीबी, यह हमेशा चर्चा में रहते हैं। कोई इन्हें पर्सन हरकुलस तो कोई उन्हें ईरान का हल्क कह रहे हैं। अपने भारी भरकम शरीर के कारण उन्हें दुनिया के सबसे ताकतवर इंसानों में एक माना जा रहा है। बता दें कि सज्जाद का वजन 175 किलोग्राम है और शरीर इतना विशालकाय है कि उनकी गर्दन ही गायब हो गई है।
इनके लिए वेट लिफ्टिंग ही सब कुछ है। हालांकि सज्जाद इस बॉडी की वजह से पर्सनल लाइफ में कई शौक पूरे नहीं कर पाते। उन्हें कार में बैठने में काफी दिक्कत होती है, अगर किसी तरह बैठ भी गए तो निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। नंबर 9, टेरी हॉलैंड्स। अब हम बात करते हैं डेरी हॉलैंड्स की, जिन्हें स्ट्रैंगेस्ट मैन ऑफ ब्रिटेन के नाम से भी जाना जाता है। हम आपको बता दें, यह स्ट्रैंग तो है ही, उसके साथ साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर भी हैं, जहां इन्होंने 17 मिनट एक 40 सेकंड तक बस को खींचकर यह रिकॉर्ड कायम किया था। यह अच्छी खासी पर्सनैलिटी के मालिक है, क्योंकि इनका वेट 155 किलो और हाइट लगभग 200 सेंटीमीटर है। नंबर 10, हफ्थोर ब्योर्नसन। दोस्तों, जब हम शानदार बॉडी के मालिक बॉडी बिल्डर के बारे में बात कर रहे हैं, तो इसमें इन जनाव का नाम ना आए तो ऐसा हो ही नहीं सकता। इन्हें प्यार से लोग थोर बुलाते हैं, और अगर आप गेम्स ऑफ थ्रोन्स के दीवाने हैं तो आप इन्हें बहुत अच्छे से जानते होंगे, क्योंकि यह एक एक्टर भी हैं जो आइसलैंड में रहते हैं। इनकी पर्सनैलिटी को देखकर कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर सकता, क्योंकि इन्हें गेम ऑफ थ्रोन्स जैसी आइकॉनिक सीरीज में लिया गया, जहां हाल ही में हुए कंपटीशन में इन्होंने 472 किलो का वजन उठाकर न सिर्फ कंपटीशन जीता बल्कि वहां बैठे लोगों को हैरान भी कर दिया। नंबर 11, हेलमट स्ट्रीबल। दोस्तों, इनकी बॉडी दुनिया की सबसे यूनिक बॉडी में से एक है, क्योंकि इन्होंने सालों मेहनत करकर अपनी बॉडी में मौजूद फेट को लगभग खत्म ही कर दिया। आज की डेट में इनकी बॉडी में महज 2-3% फेट ही बचा हुआ है। इनकी बॉडी के कट्स किसी को भी हैरान कर सकते हैं, क्योंकि इतने बेहतरीन कट बनाने के लिए जिम में मेहनत करने में पूरा खानदान याद आ जाता है। नंबर 12, ह्वांग चुलसून। दोस्तों, मिलिए दुनिया के सबसे मेहनती बॉडी बिल्डर्स से, जिन्हें एशियन हल्क के नाम से भी जाना जाता है। ये बॉडी बिल्डर साउथ कोरिया में रहते हैं, जिनकी पर्सनैलिटी देखकर कई सारे लोग हैरान रह जाते हैं। हालांकि ये पहले बहुत दुबले पतले हुआ करते थे और इनकी टांगे काफी पतली होती थीं, लेकिन एक दिन उन्होंने ठान ही लिया कि अब तो इन्हें अपनी फिजिक पर काम करना ही है। इसी वजह से यह दिन रात बॉडी बनाने में जुट गए, जिसका नतीजा आप देख ही सकते हैं। क्योंकि इतनी शानदार बॉडी बनाना हर किसी के बस की बात नहीं है, इनकी यह शानदार बॉडी 10 साल की खड़ी मेहनत के बाद बनी है। इससे इनका बॉडी बिल्डिंग के प्रति जो जुनून है वह भी साफ दिखता है। इसलिए यह आज साउथ कोरिया में किसी सेलिब्रिटी से कम नहीं है, एक ऐसा सेलिब्रिटी जो बॉडी बिल्डिंग के लिए वर्ल्ड फेमस है। नंबर 13, फिल हिल। फिल हिथ का पूरा नाम फिलिप जीरर हिथ है, लेकिन इन्हें का गिफ्ट के नाम से भी बुलाया जाता है, जहां इन्होंने पूरे 4 बार मिस्टर ओलंपिया का टाइटल जीता है। उसके साथ ही इन्होंने 2012 में बेस्ट बॉडी बिल्डर ओनिल टाइम का अवार्ड भी अपने नाम किया था। दोस्तों, इनको बॉडी बिल्डिंग का शौक 2002 में चढ़ा था। इसके बाद इन्होंने कुछ ही समय में अपना वजन बढ़ाया, और इतना बढ़ाया कि अपने जमाने के शानदार बॉडी बिल्डर में से एक बन गए। ये एक प्रोफेशनल रेसलर भी है, जिसमें इन्होंने कई खिताब अपने नाम किए, और आज भी ये काफी मशहूर बॉडी बिल्डर है। नंबर 14, आर्नोल्ड। अब इनके बारे में तो हम क्या ही कहें, ये तो खुद ही हर जगह छाए रहते हैं, जहां लोग इनकी एक्टिंग के दीवाने हैं। लेकिन अगर इनकी पिक्चर देखने वाले लोगों को यह नहीं पता कि यह कौन है, तो हम आपको बता दें, यह अपने जमाने के एक बेहतरीन बॉडी बिल्डर थे। वैसे इन्हें बॉडी बिल्डिंग का शौक तो शुरू से ही था, जो आप इनकी पुरानी तस्वीरों को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन इनको यह बात बिल्कुल भी पता नहीं थी कि इनकी बॉडी बिल्डिंग इन्हें इस कदर आगे ले जाएगी कि यह हॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में से एक माने जाएंगे। इनका मानना था कि अगर कुछ भी जिंदगी में चाहिए तो उसके लिए दर्द तो सहना ही पड़ता है, और इसी वजह से यह घंटों जिम में प्रैक्टिस किया करते थे। कई लोग इन्हें अपना इंस्पिरेशन मानकर घंटों जिम में वक्त बिताते हैं। इस वीडियो में से संबंधित सबसे बड़े बॉडी बिल्डर्स के बारे में बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अगर आप इस वीडियो से संबंधित कुछ भी पूछना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं, हम आपको जवाब जरूर देंगे। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जो कि आपका लिए फ्री है, उसे हमारा बहुत हेल्प होता है। तो चलिए कुछ इसी तरह के वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।